मारुति और टाटा के साथ किया और हुंडई की इन मोस्ट पॉपुलर गाड़ियों का चलाना अब पड़ने वाला है काफी किफायती, क्योंकि कंपनी इन मोस्ट पॉपुलर गाड़ियों के लाने वाली है सीएनजी वेरिएंट। और इस फेस्टिवल सीजन में चाहे वो टाटा मोटर्स हैं या फिर हुंडई या फिर किया और टोयोटा मोटर्स, अपनी सबसे मोस्ट पॉपुलर गाड़ियों के सीएनजी वेरिएंट लॉन्च करने वाले। और इस पोर्टफोलियो में सभी कंपनियों ने शामिल की हैं अपनी सबसे मोस्ट पॉपुलर गाड़ियां जिनकी ऑलरेडी जबरदस्त सेल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें किया मोटर्स की, तो किया मोटर्स भी अपनी इस गाड़ी को सीएनजी के अंदर लॉन्च करने वाली है और ये मोस्ट पॉपुलर गाड़ी है किया की सोनेट। और अब कस्टमर के लिए एक जबरदस्त विकल्प होने वाला है जहां पर सोनेट फिलहाल पेट्रोल डीजल दोनों विकल्प में अवेलेबल होती है। अब सीएनजी के ऑप्शंस के बाद में कस्टमर के लिए और भी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस सब 4 मीटर एसयूवी को परचेज करने के लिए, क्योंकि हाल में ही एक नई सब 4 मीटर एसयूवी को सीएनजी वेरिएंट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है जो किया सोनेट सीएनजी है, और इस कार को कंपनी के प्लांट के नजदीक टेस्टिंग करते देखा गया है। और इसमें भी टर्बो वेरिएंट में सीएनजी विकल्प आने वाला है, यानी कि पावर भी काफी जबरदस्त होने वाली। और जो गाड़ी टेस्टिंग के दौरान स्पॉट की गई है उसमें पेट्रोल भरवाने वाले ढक्कन के बगल में ही सीएनजी इंटेक वॉल्व भी देखा गया है, साथ ही सोनेट के सी पिलर पर भी सीएनजी बैज दिया गया है जिससे इसके सीएनजी होने की पुष्टि होती है। और यहाँ पर जीटी और टीजीडीआई बैज देखने को मिला है जिससे साफ होता है कि इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के 1.0 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में सीएनजी विकल्प पेश किया जाएगा। करंटली अगर बात करें तो सोनेट का 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल का इंजन 118 bhp की पावर और 172 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, तो काफी शानदार ऑप्शंस होने वाला। और जो लोग टाटा मोटर्स या फिर हुंडई की एसयूवी को पसंद करते हैं उनके लिए भी टाटा मोटर्स और हुंडई की तरफ से एक लेटेस्ट न्यूज है। तो टाटा मोटर्स अपनी दो गाड़ियों को टियागो और टिगोर को सीएनजी में लॉन्च करने के बाद और इनके सक्सेस के बाद में एल्ट्रोज का भी सीएनजी ऑप्शंस लाने वाली है जिसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल ऑप्शंस के साथ में लाया जाएगा। और इसके अंदर फैक्ट्री फिटेड सीएनजी में आपको अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है और सीएनजी टियागो और टिगोर सीएनजी के समान 72 PS की पावर और 95 Nm का टॉर्क देगी। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन होगा और टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल के ऑप्शंस में मिलती है। और हाल में ही इसे इमिशन टेस्टिंग किट के साथ चल रहे नेक्सॉन के कई सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर आई है जिससे पता पड़ता है कि यह अपकमिंग नेक्सॉन सीएनजी है और नेक्सॉन सीएनजी 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल ऑप्शंस के साथ में आने वाली है और नेक्सॉन सीएनजी को भारत की सबसे पावरफुल सीएनजी कारों में से एक बना देगा। अपने पेट्रोल अवतार में नेक्सॉन 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करती है और सीएनजी वेरिएंट में निश्चित रूप से पावर और टॉर्क में चेंज आने वाला है, लेकिन काफी अच्छी पावर इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा टाटा मोटर्स की एक और पॉपुलर कॉम्पैक्ट गाड़ी पंच की अगर बात करें जो कि टाटा मोटर्स का बेहद पॉपुलर और सफल प्रोडक्ट है और इसमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो हमें टियागो टिगोर एल्ट्रोज में भी मिलता है। और सीएनजी से लैस ये इंजन टियागो और टिगोर में जहां पर 72 PS की पावर और 95 Nm का टॉर्क देता है, तो यहां पर उम्मीद की जा सकती है कि पंच सीएनजी भी समान पावर और टॉर्क आउटपुट देगी क्योंकि सेम इंजन मिलने वाला है। और यहां पर जो पंच तलाश कर रहे हैं या पंच परचेज करने जा रहे हैं उनके लिए सीएनजी का विकल्प काफी शानदार होने वाला है। इसके अलावा मारुति इंडिया भी फेस्टिवल सीजन में धमाका करने वाली है दमदार माइलेज के साथ में अपनी दो गाड़ियों को सीएनजी में लॉन्च करने वाली। अपनी मोस्ट पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक बलेनो को सीएनजी के अंदर और इसमें फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के साथ 1.2 लीटर का ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। बलेनो सीएनजी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी विकल्प मिलने की उम्मीद कम है जैसे कि आपके मारुति की अन्य किसी मॉडल में भी ऑटोमेटिक के साथ में सीएनजी नहीं दी जाती है। और बलेनो कीमत की करंटली बात करें तो 6.35 लाख से स्टार्ट होती है, 9.49 लाख तक जाती है टॉप एंड वेरिएंट में। इसके अलावा नेक्स्ट गाड़ी होने वाली है मारुति की कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा और माना यह जा रहा है कि इसे भी फेस्टिवल सीजन के आसपास ही लॉन्च कर दिया जाएगा।
और जैसा कि आप जानते ही हैं, मारुति सुजुकी ने भारत में डीजल कारों की बिक्री सालों पहले बंद कर दी थी और कंपनी अपना फोकस कर रही है सीएनजी गाड़ियों पर और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को अपडेट कर रही है सीएनजी में। जैसे कि जल्द में ही कुछ नई सीएनजी गाड़ियां लॉन्च की हैं, अब वो कॉम्पैक्ट एसयूवी को सीएनजी के अंदर लाकर मार्केट में एक बड़ा धमाका करने वाली है। मेन पॉइंट्स होता है कि टाटा नेक्सॉन फर्स्ट आती है मार्केट में सीएनजी में या मारुति की ब्रेजा आती है। फिलहाल कंपनी भारत में ऑल्टो, सेलेरियो, एस्प्रेसो, वेगनार, अर्टिका और इको और डिजायर के सीएनजी वेरिएंट सेल कर रही है और जल्द ही और भी कई कारों को सीएनजी में अपडेट करने वाली है। और ब्रेजा पहली एसयूवी होने वाली है जिसे सीएनजी विकल्प में लॉन्च किया जाएगा और सीएनजी से चलने वाली 2022 ब्रेजा एसयूवी साइज में बड़ी होने के बाद भी जोरदार माइलेज देने वाली। और इस शानदार एसयूवी में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक सनरूफ, पैडल शिफ्टर्स, वायरलेस कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग जैसे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं और 1.5 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ में इसका सीएनजी का विकल्प लाया जाएगा। और बात करें टोयोटा मोटर्स की तो टोयोटा मोटर्स आने वाले कुछ टाइम में इनोवा क्रिस्टा एमपीवी के सीएनजी संस्करण को पेश करने की योजना बना रही है और आगामी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा सीएनजी बेस जी ट्रिम पर आधारित होगी और क्रिस्टा 2.7 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ में सीएनजी किट से लैस होने वाली है जिसे सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में पेश किया जाए। और ये तो आप जानते हैं कि हुंडई ने अपनी वेन्यू को बीते दिनों ही भारतीय बाजार में अपडेट करके लॉन्च किया है और कंपनी ने नई 2022 हुंडई वेन्यू को इंजन विकल्प में जो पेश किया है उसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बोचार्ज पेट्रोल और डीजल का विकल्प मिलता है। लेकिन लॉन्च से पहले इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चल रही है, इसका सीएनजी वेरिएंट भी लॉन्च होने वाला है जो कस्टमर के लिए एक काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। टेस्टिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें माना जा रहा है कि जिस तरीके से ब्रेजा को सीएनजी के साथ में लॉन्च किया जाएगा उसी तरीके से वेन्यू को भी सीएनजी वेरिएंट के साथ में लॉन्च किया जाएगा, यानी दोनों सेम सेगमेंट की गाड़ियां अब अच्छा खासा कंपटीशन यहां पर करने वाली हैं। नेक्स्ट अपडेट है एक ऐसी कंपनी और एक ऐसी गाड़ी की तरफ से जो लग्जरी टाइप की एसयूवी है और स्विफ्ट से बहुत कम दाम में शानदार फीचर्स के साथ में ये अवेलेबल हो रही है। केवल 5.70 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होता है और इस गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। ये है आपकी सिट्रोन C3 एसयूवी जिसकी कीमत अपने सेगमेंट में अवेलेबल सभी गाड़ियों जैसे कि टाटा पंच, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर जैसी गाड़ियों से काफी कम है। बावजूद इसमें इसका एडवांस लुकर फीचर्स काफी शानदार हैं और 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है जो काफी अच्छी पावर जनरेट करता है। जहां पर बात करें इसके नेचुरली पावर के बारे में तो 82 एचपी की पावर, 115 एनएम का टॉर्क है जबकि टर्बो पेट्रोल वाला 110 एचपी की पावर और 190 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड का मैन्यू और इसके शानदार फीचर्स में है डैशबोर्ड पर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ सपोर्ट वाला 10 इंच का टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एयर कंडीशनर, 4 स्पीकर साउंड सिस्टम, फ्रंट और रियर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और सेफ्टी के लिए ड्यूल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सभी शानदार फीचर इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल होते हैं। ये थी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फेस्टिवल सीजन में लॉन्च होने वाली उन शानदार सीएनजी गाड़ियों के बारे में। तो अगर आप भी रहना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन न्यूज से अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट ऑटोमोबाइल्स क्वेरी है तो कमेंट्स में लिखकर उसका भी सलूशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। नमस्कार दोस्तों।